अमेठी में रविवार को जिला फुटबॉल लीग के पांचवें दिन दो मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच इंडियन बॉयज बी और एमआईटी के मध्य खेला गया, जिसमें एमआईटी ने इस लीग का अपना उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर सभी का मन मोह लिया, जिसमें जर्सी नंबर 10 गुरमीत तथा जर्सी नंबर 7 के अनिमेश ने अपने खेल कला का शानदार प्रदर्शन कर सभी का मन जीत लिया। इस मैच में एक एक गोल एमआईटी की ओर से विशु, दिव्यांश, अनिमेश ने जीत में योगदान दिया तथा इंडियन बॉयज की ओर से फरमान ने एकमात्र गोल किया। इस तरह एमआईटी की टीम ने ये मैच 3-1 से जीतकर अपनी जगह सेमीफाइनल में पक्की की। दूसरा मैच मिलेनियम स्कूल तथा मुरादाबाद एफसी के मध्य खेला गया, जिसमें मिलेनियम स्कूल के मुशारिक पाशा के एकमात्र गोल से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज के मुख्य निर्णायक मोहम्मद इमरान तथा मोहम्मद नासिर कमाल रहे तथा सहायक निर्णायकों में रेणु काम्बूस, तुषार सिंह, उमा सिंह रहे। इस अवसर पर रामपुर से आए निर्यातक मोहम्मद आमिर ने टीमों के मुख्य अतिथि के रूप में परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर माधुरी देवी, आमिर मिर्जा, उस्मान खान, राखी दिवाकर, मोहम्मद फहीम, टीना, तनु, निशा आदि ने सहयोग किया। नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद नासिर कमाल, मैं जिला फुटबॉल संघ का जिला सेक्रेटरी हूँ और ये हमारा 2021 फुटबॉल लीग चल रहा है, जिसमें हमारी लगभग 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। एमआईटी के ग्राउंड पर चल रहा है और सभी टीमें बहुत शांतिपूर्वक और नियमानुसार खेल रही हैं और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हर साल की तरह, और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा हम और बेहतर प्रयास करते रहेंगे।